सम ऑफ डिफरेंट क्या सर, बिगेस्ट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ना, हाँ बाबू, फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ लेकिन अब बाबू, नीचे नहीं है सर। डिफरेंस ऑफ बाबू ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कर दो, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सर उसके लिए मैंने स्पेस नहीं छोड़ा, कहाँ लिखूं। हाँ तो नीचे वो आयरो दे, कैसे ऊपर लिखो ना जी, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बाबू ऑफ 4 डिजिट नंबर। इसको समझो, अब शांति से लिखना नहीं है, पहले आप शांति से सीखो। 497 में जो 4 लाइन लिखा उसको भी लिखना नहीं इसको नहीं लिखना है, शांत रहो। देखो वो क्या कह रहा है ना, आसान सा टॉपिक है बाबू, है ना, इसको हम लोग मन से पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं चैप्टर, है ना। तो लगभग हम लोग 500 600 क्वेश्चन कर चुके हैं ना बाबू। इसके बाद किसी भी बुक से बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नंबर सिस्टम में हम आपको बहुत सारा चीज बता दी है ना, बहुत सारा चीज बता दी, लगभग एक कॉपी भर गया होगा। आपको क्या कर रहा, अगला जो टाइप है बाबू, ग्रेटेस्ट है स्मॉलेस्ट है ना बाबू। आपको दिया गया नंबर है, दिया गया डिजिट है, दिया गया क्या है, डिजिट है। आपको गिवन डिजिट क्या है, शांति से समझना, जो दिया गया डिजिट, आप लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले शांति से सुनो। दिया गया डिजिट क्या है, गिवन डिजिट मेरे पास क्या है सर, 0 है, 8 है, 2 है, 1 है, 3 है ना। अब इससे कह सर रहा बाबू ग्रे, वीडियो रुक रुक के आ रहा है। ना अच्छा ठीक है, सर वीडियो रुक रुक के आ रहा रुक है। रुक नो के कहाँ सर से जाएगा। चलो नो सर नहीं आ ठीक है, रहा। नहीं जाएगा, हल्ला मत कीजिए। अब शांति सुनो, इस नंबर से बाबू आपको कह रहा कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बना। आप शांति से समझना, तो 5 डिजिट कैसे बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, शांति समझो। तो जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट जो 5 डिजिट, यहाँ पे आप लोग धोखा खाओगे क्योंकि 0 है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट जो नंबर होगा, समय मुझे ग्रेटेस्ट पता फाइव है, डिजिट सेकंड शांत सेकंड रहो, लार्जेस्ट वन डिजिट चुनेंगे, फिर जीरो लिखेंगे, शांत वन रहो, जीरो टू थ्री एट अच्छा होता हल्ला है मत सर। करो, शांत रहो। अथर्व आपको भगा देंगे जी, बहुत आप गुस्सा बढ़ता है, खाली बकर बकर करता है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे सर, तो सबसे पहले बड़का लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8 है। फिर इससे छोटा नंबर लिखेंगे, 8 से छोटा कौन है सर, 3 है, तो 3 हो गया। 3 से छोटा कौन हो जाएगा, 2 है, तो 2 लिखेंगे। और फिर 1 है, और फिर 0 हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चा गलती करता है, बीच में कोमा दे देता है, शांति समझना। सारे के सारे बच्चे जो भी होमवर्क वगैरह टेस्ट में क्वेश्चन बनाए थे आप लोग, सारा बच्चा क्या किया था, बीच में कोमा दिया था। ये बीच में अगर कोमा दे देते बाबू, तो ये नंबर नहीं बन के क्या बनता है, मेरा डिजिट बन जाता है। आपको नंबर लिखने का रहा ना, तो बीच में कोमा नहीं देंगे, कोमा बीच में नहीं देंगे, कोमा अगर आपको सर देना है आप तो। तो अरे ये गिवन डिजिट में सर 3 और 2 के बीच में तो देंगे। शांति सुनो ना, अगर कोमा देना है बाबू तो आप इंडियन सिस्टम का यूज करके दे सकते हो। ऐसा कोमा नहीं कि आपके हर एक नहीं डिजिट देना में चाहिए, कोमा, नहीं दे सकते। हर एक डिजिट में अगर आप कोमा दोगे तो वो गलत हो जाएगा, अल्टीमेटली ये डिजिट बन जाएगा। कॉमा देना बाबू तो आपको ज्यादा शौक है, तो यहाँ से इंडियन सिस्टम में 3 2 यहाँ पे एक कॉमा दे सकते हो, है ना, दे सकते हो। ठीक, तो ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कहेगा, शांति समझना, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको कह रहा है ना क्वेश्चन में, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो स्मॉल सबसे पहले आपको क्या बोले थे, छोटका लिखने के लिए सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा तो 1 लिखेंगे, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा 2, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा कितना, 3, और फिर सर 8। ये शांत रहो जी, गलत है, ये शांत रहो ना गलत पूरे, है, गलत है। बताओ 101 नहीं 10 आपको रिमूव होगा। कर रहा नहीं था, सर 0 नहीं होता सर। रिटर्न कर, सर पहले नंबर वो 4 जीरो इसका नहीं जो होता, है पहले राइट 1 होता आंसर है। 1-0 सर होता है सर। पहले 1 होता, उसके बाद 0 होता है। आप लोग को सर दोनों को गलत रिमूव कर रहे फैमिली हैं होती बाबू, है सर, ये सब गलत शैतान है, कभी हल्ला हो करके कहाँ गया गया था। नहीं अच्छा सर। ठीक है, हम सही बता गलत रहे हैं ना जी, गलत है जी, सर, गया गलत कहाँ क्या इससे, किया शांत रहिए। पहले वैदिक को हटा, वैदिक है ना जी, हाँ इसको पहले हटाते, शैतान सर। अभी हल्ला करता है दोनों। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर गलत लिखे हैं, वन अच्छा शांत रहो, पहले हटाने तो नहीं, सब जीरो खाली हल्ला करता है। वन नेक्स्ट जीरो बाबू, हल्ला मत करो। देखो सर, बाबू, भगा दिया। आज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमको लिखने का था, आपको हमने क्या बताया, सबसे पहले छोटका, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो
अगर ऐसे लिखते हो बाबू तो ये कई डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट का है, 1 2 3 4। तो अल्टीमेटली ये 5 डिजिट का नंबर नहीं है सर, किसी भी नंबर के आगे जीरो का वैल्यू नहीं होता। तो ये जीरो हटाएंगे ना तो मेरा ये नंबर क्या बनेगा? 1 बनेगा 2 बनेगा 3 बनेगा 8 बनेगा। किसी भी नंबर के आगे मेरा क्या होता है? जीरो का वैल्यू नहीं होता। तो अगर इसको ये, तो ये कई डिजिट नंबर हो गया? 4 डिजिट नंबर हो गया ना, ये मेरा क्या हो गया? 4 डिजिट का नंबर हो गया। आपको क्या कह रहा है? 5 डिजिट का छोटका नंबर, तो ये तो 4 डिजिट है ना, तो ये वाला नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ऐसे करके हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना? सर तो आप कैसे लिख, समझाने के लिए दिए थे। ठीक कैसे लिखेंगे वो, कैसे लिखेंगे? स्मॉलेस्ट जो 5 डिजिट नंबर होगा भोला, सबसे पहले हम लोग जीरो को लिखते हैं तो गलत हो जाता है। अगर किसी भी नंबर का पहले सबसे जीरो लिख दोगे ना तो जीरो का वैल्यू होता नहीं। तो जैसे यहाँ 5 डिजिट है ना, तो आपको ये 4 डिजिट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 4 डिजिट माना जाएगा। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो नंबर होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? हम लोग जीरो को छोड़ के जो छोटका नंबर आएगा, तो जीरो को छोड़ के छोटका नंबर कौन है? 1 है। अब इसके बाद हम लोग जीरो लिखेंगे, है ना? पहले सबसे पहले छोटका नंबर लिखना, जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के सबसे छोटका जो रहेगा वो लिखना। अब इसके बाद आपको इमिडिएटली जीरो लिखना, तो 1 0, और उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो ये आपका स्मॉलेस्ट क्या हो गया बाबू? 5 डिजिट नंबर हो गया। क्या हो गया? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। तो ये आपका क्या है? सही है। और ये आपका क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ये तो मैं तो देखिए सही गलत नहीं लिखूंगा, मैं सीधे कूट सही लिखूंगा। देगा, बहुत पीटेंगे थर, भी आपको भगाएंगे। फालतू का बहस मत करो थर, ठीक है ना? चूंकि क्लास सर में बहुत तुमको सारे भगा स्टूडेंट्स भी दिए बैठे हुए थे, रहते हैं। पास और टेक अगर नहीं सर करके भगा क्या? दिए थे। नेक्स्ट बाबू। आप तो अच्छा भगा दिए थे। सर अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। क्रॉस और टेक नहीं करके चलेगा? नहीं चलेगा, जो बोर्ड पे सब लिखना। तो क्यों नहीं चलेगा? नेक्स्ट क्या? फाइंड द सम ऑफ वो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट सर नंबर, इसमें है कोमा नहीं लगाना ना? है क्या? लगा सकती वो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 डिजिट के बाद कोमा लगा सकती हो। तो यहाँ पे क्या करा वो, स्मॉलेस्ट का पहले क्या करा? ग्रेटेस्ट कर रहा है, शांति समझना। आपको क्या करा? ग्रेटेस्ट कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हम लोग लिखेंगे, शांति समझना। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट कितना? 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर के लिए आपको हमको क्या बताएं? सबसे पहले सबसे बड़ा का नंबर लिखेंगे, 9 हो गया, उससे थोड़ा सा छोटका 6 हो गया, इससे थोड़ा सा छोटका 4 हो गया, इससे थोड़ा सा छोटका 3 हो गया, इससे थोड़ा सा छोटका 2 हो गया, फिर 0 हो गया। कॉमा पुट कर सकते हो, कॉमा जब भी, या तो इंडियन सिस्टम वाला यूज करो क्योंकि हम लोग इंडियन वाला पढ़ रहे हैं, ठीक? ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कहेगा, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे? सिक्स डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर शुरू में जीरो लिखते हो तो ये 5 डिजिट, मान लो शुरू में जीरो लिखे सर, उसके बाद कितना? इससे बड़ा थोड़ा सा, 2 से थोड़ा सा, 3 4 6 9, तो ये कई डिजिट हो जाता है? 5 ही डिजिट होता है ना। किसी भी नंबर का पहले जीरो लिखते हो तो कई डिजिट होता है? 5 डिजिट हो जाता है ना, 5 डिजिट हो जाता है। तो ये वाला हम लोग नहीं लिखे, हम लोग सबसे पहले छोटा डिजिट, जीरो को छोड़ के छोटा, तो 2 है, फिर 0 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 9 है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। उसके बाद इसका सम निकालने का रहा, क्या निकालने का रहा? सम निकालने का रहा, तो दोनों नंबर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, है ना? ठीक, लिखो बाबू, इरेज करते हैं, लिखो जल्दी से। हाँ सब ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है। यार ना वीडियो ऑन कर, यार ना तेरा 4 लाइन छोड़ने बोले थे, 2 लाइन इतना पीटेंगे नहीं सेताना थर को। सेताना अभी सम लिखे हैं जी, अभी सम इसका निकालेगा ना जी, तो लाइन में हो गया। गया। लिखो मिटा दे रहे सर, बताइएगा नहीं क्यों मिटा दिए? 590 लिख लिए थे ना जी, हाँ तो सर आपको कैसे पता होगा क्वेश्चन नंबर? सर कोई दिक्कत नहीं। 9032 वाला मत मिटाइएगा सर, वो नहीं मिटाए।
आगे बाबू शाम हमको निकालना क्रॉस है, की क्या होगी निकाल, क्योंकि जो से क्रॉस की होगी है। इसको लिख नहीं लिखना नहीं है, शाम निकालना। तो शाम हम लोग कैसे निकालेंगे, ऊपर नंबर लिखो 9643820, 3204 69 है ना, इसका सम निकालिए, जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो यही क्या हो गया, शाम हो गया, है ना, शाम हो गया। नेक्स्ट बाबू सर ये तो फाइनल लिखू, लाइन में आएगा। मैं अच्छा जीकू। ओके हाँ लिखिए। सर आप बोले तो कॉमा में नहीं लिख रहे, अब मैं कॉमा में तो लिखती हूँ। अच्छा, बाबू शैतान है ना, आपको हमने क्या बोला, हर एक डिजिट में कॉमा नहीं देना, ये इंडियन वाला कॉमा है ना, या तो कॉमा यूज करना है तो इंडियन वाला सर यूज इतने करो चाहे पर्सनल में इंटरनेशनल नहीं वाइज दे करो, पाएंगे हर एक डिजिट में कॉमा नहीं सर। देना है, यूज इंडियन कर, सर इंडियन वाला कॉमा यूज कर सकते हैं। इंडियन वाला हम लोग यूजे करते हैं, जब तक नहीं कहा जाए इंटरनेशनल यूज नहीं करते हम लोग, इंडिया पहला 3 डिजिट फिर 2 डिजिट, 3 डिजिट फिर 2 डिजिट, फिर तो क्यों नहीं कॉमा करते? नहीं कहा जाएगा जब तक हम लोग क्या करेंगे, है ना, इंडियन इंडियन ही तो यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों हम लोग इंडियन है? हाँ बाबा हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं ना, तो इंडिया के रूल को फॉलो करेंगे। हाँ तो जल्दी सर हम लोग लिखिए, पाकिस्तान में पढ़ रहे होंगे तो अच्छा ठीक है, पाकिस्तान में जाकर पढ़ना था पहले, पाकिस्तान का अलग रूल होता है, ठीक अलग अलग करेंसी होता है। पर अभी पहुंच तो नहीं रहे ना, जब पढ़ेंगे तब सोचा। हाँ तो हर देश का अलग अलग करेंसी होता है, तो बाबू हर एक का अलग, जल्दी लिखो सतम सरम, मुझे लगा था डांस मिक्स इंडिया का ही अलग होता है। डांसर वेरी गुड, 598 नंबर, उसको समझाते हैं, दो जल्दी लिखिए, करती क्या हो, खाली बैठ के गप करते, जल्दी लिखो, सर अभी एयर इरेज ना इसका म्यूट, भाई बाबू अथर बाबू म्यूट कर दिया, अथर इससे तो परेशान हो गया अथर, उससे दम इरिटेट करके रख सर। देता, इरिटेट करके रख देता दम, खाली बकर बकर करता। सर नहीं सर अभी जल्दी लिखो, जल्दी598 नंबर, नंबर क्या दिया हुआ था, 9032 दिया हुआ, नंबर गिवेन क्या दिया बाबू, गिवेन नंबर क्या दिया हुआ है, 9032 दिया, यहाँ से कह रहा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का 4 डिजिट का नंबर बनाओ, बनाओ स्मॉलेस्ट बनाओ, फिर उसको एक बार जोड़ो, एक बार क्या करो डिफरेंस निकालो, यही कह रहा, सम करो डिफरेंस के निकालो, है ना, डिफरेंस करो, तो बाबू क्या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर मेरा कितना बनेगा, 4 डिजिट बाबू, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो कितना हो जाएगा, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बाबू, सबसे पहले सबसे बड़का, उसके बाद थोड़ा सा छोटका, फिर थोड़ा सा छोटका, फिर है ना सबसे छोटका, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक सर 2039। आपको बोले बाबू स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना बाबू, 0 सबसे पहले मत लिखना, नहीं तो 3 डिजिट आता, सबसे पहले सबसे छोटका 0 को छोड़कर छोट छोटका, तो 2 है, फिर उसके बाद आप इसके बाद 0 लिखो, अब 0 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 3 है,
अब फिर 9 है, यही है। अब इसका सम निकालने का रहा, तो इसका सम के लिए क्या करो, दोनों को जोड़ दो, दोनों के क्या करो जोड़ दो, तो ये 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो यही आपका हो गया। डिफरेंस निकालने का रहा, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट बाबू, डिफरेंस आगे इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, डिफरेंस कह रहा, डिफरेंस कह रहा था, जो नंबर है वही लिखो, 9320 और 2039। डिफरेंस मतलब क्या सर, माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या, माइनस 1 हो जाएगा, 11 में से 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। कोने को बच्चा भागा जी, किस अर्नब वो वीडियो ऑन करो जी, अर्नब चांदना भी भाग गई। सर हाँ कौन से लिखिए, लिखने हैं सर, आपने अरे क्या लिखना है? सर बन गया अच्छी बात है। सर, शाना भागी सर। शरण्या भागी जी, आई कौन? हाँ शरण्या गई, लिखे जल्दी। डन सर। विवेक नेक्स्ट बाबू, मन से अब पढ़ा हल्ला प्रश्न करो में सर, जल्दी रुक कीजिए। जाएंगे सर, क्लास का लीव कर गई भोली, अच्छा स्विच ऑफ हो गया मैम, ठीक है मैम। विवेक क्या कर रहे होगा आराध्या, उठा बैठी करने का माने जी, आराध्या, आराध्या 2 1, आराध्या क्या 1 हुआ सर? सर इधर उधर क्या छटपटा रही है जी, क्लास है, क्लास में रहिए, सिंसियर रहिए, बैठी हुई हो सर, बैठी बताओ उधर क्या हूँ देख रही थी, राइट साइड क्या देख रही थी। सर। पापा पूछ रहे थे भैया मोबाइल देख रहे क्या? डन सर। सर जल्दी लिखिए, अच्छा डीएमए टाइम, दे रहे हैं डीआई बाई टाइम, क्या सर दो ही कर क्वेश्चन सर, इतना ही बेसिक करनी हो गया सर डीआई भाई, एक क्वेश्चन और करवा दीजिए। मैथ पढ़ेंगे, फिर बेसिक मैथ पढ़ेंगे। कल इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, आपको डिवीजर, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, इसका पढ़ा देंगे, है ना, वो भी आपको आता है ना, वो आपको सीखना है, क्या आता है तो पढ़ाएंगे शांत सर? रहो। डिवाइजर बराबर डिविडेंड इंटू कोसेंट है बाबू, कोसेंट प्लस रिमाइंडर है ना, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। सर सर ये मेरे को मालूम है। मालूम है तो शांत रहो। फाइंड द सम एंड डिफरेंस बाबू, आपका वीडियो ब्लर दिख रहा है सर, मिक्स फ्रैक्शन नहीं बाबू, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, ये सब सिखाएंगे। फाइंड द सम एंड डिफरेंस, सर, DIY ऊपर लिख दीजिए। हाँ बाबू लिखा है, फाइंड द सम एंड डिफरेंस, नहीं डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड अ स्मॉलेस्ट, सर, एक और क्वेश्चन दे दीजिए। 6 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट नाइन जीरो टू सेवन थ्री
वन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा सर दो ही दीजिए। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट 1 0 2 सर ब्लर आ रहा है। देखो जल्दी से। अच्छा इसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हल्ला मत कीजिए। सर नो सर बेसिक मैथ पढ़ेंगे सर। हाँ जी बेसिक मैथ पढ़ेंगे जी। सर। सर पढ़ाया तो आज बच्चे उसका नहीं है। रिचार्ज का सर तो पढ़ाया होने तो बच्चे वाला ही है। सर नहीं है, पढ़ाया चीज तो नहीं बच्चे ही दिखाई। नहीं है। सर पर आज तो बच्चा ही नहीं है ना। निशांत नहीं है, सुसा नहीं है, सुसान छुट्टी कर देंगे छुट्टी चाहिए। छुट्टी सर। बेसिक चाहिए दिखा अंशिका रहा था बाबू, 2 अक्टूबर में बाबू। सर। अंशिका इतना क्लियर पढ़ाई दिया तो पढ़ा दीजिए। है क्लियर नौ भाई, अभी साल 2 हाँ दे रहे हैं। कौन सा बोलो बाबू अंकुश, कौन सा 2 को बर्ड मीनिंग लास्ट बोला था जी सर मत अंकुश? मिटाइए मेरी नीचे बोलती हूँ सर मन मिटाइए ऊपर लिख लिया है ना, सर सर। ऊपर वाले लिख नीचे का मिटाइए। इन्वेस्टमेंट। अच्छा और एको सर रिगट लिखा था। रिग्रीट था। यस सर। नो नो सर नो सर नो सर। रिग्रेट पढ़वा सर। सर में बर्ड मीनिंग 4 को हुआ है जी। नो सर 6 हुए सर 6 ना। में 7 होगा। एवोल्यूशन सर उधर क्या कर इन्वेशन रहा है। मतलब क्या होता है? आक्रमण होता है। 6 कब हुआ। हाँ 6 पीछे प्रीवियस क्लास में हुआ, सैटरडे तो सैटरडे को दिए थे। को नहीं दिए थे, फ्राइडे को दिए थे ना। यस सर आक्रमण तय हो मतलब क्या चुका है होता सर। तो पर मैं तो चाह रही है। है? सर को उल्लासित नहीं होगा। दो किसी से मान के लिख लो। आक्रमण मीन्स क्या होता? अटैक होता है। अटैक मतलब कहने का मतलब क्या बाबू? जैसे चाइना ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है ना, नहीं और कोई दूसरा है अचानक सर वर्ल्ड वॉर में मेरे पे देना अटैक करते हैं वही बोल चलो। दीजिए। हाँ सर यूक्रेन में एक रशिया यूक्रेन वर्ल्ड सर सर वर्ल्ड वार थ्री। वर्ल्ड रूमर हरना वॉर थ्री बाबू म्यूट कर दिया अरनाब। हास्य ह्यूमर मीन्स बताओ क्या था बाबू? हास्य होता, हास्य है ना, या बात बनाना, बात मानना कह सकते हो। नहीं था सर। ब्लर आ रहा है तो सर, क्लियरली दिखा है। सर इसका मीनिंग इंग्लिश ब्लर में आ रहा है। सी में लिख दिया तो फिर से लिखूं क्या। बाय सर नहीं जो लिख लिया उसको नहीं लिखना, गुड नाइट। जो लिख लिया उसको सॉरी नहीं लिखना। इसको ग्रुप में भेज सर आज दीजिए। बेसिक मैथ मत सर पढ़ाइए, एक नंबर का हिंदी में क्या लिखे हैं। सर ह्यूमर, सर ह्यूमर का मीनिंग क्या लिखा है? सर ग्रुप हास्य में भेज है, जोक्स दीजिए। वगैरह किसी है ना, हास्य हास्य। हाँ हास्य पर मैंने हास्य प्रद जाए। हो। ठीक है शैतान जिंदगी जी लो।
बाय सर, सर अच्छा ग्रुप में भेज दीजिए। थैंक भेज यू रहे सर हैं। छुट्टी देने के लिए, थैंक यू सर छुट्टी देने हाँ जी आप लोग तो के सर सर पर भेज सॉरी दिए चुके हैं, ट्राई नहीं हो जी। पा। बाय सर, हैव अ नाइस डे। आज बेसिक में पढ़ाई नहीं, नहीं बाबू बच्चा सब कॉलेज बाबू 2 अक्टूबर का सब छुट्टी छुट्टी मना देने रहा के है। लिए है। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट गुड नाइट सर। बाबू। बाय बाय सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर छुट्टी देने के लिए। मैं बनवा बाय रही सर, गुड हूँ नाइट बनवा रही सर। हूँ हाँ क्योंकि सर मुझे लेना यहाँ पड़ेगा। तैयार रहिएगा छुट्टी दवा क्यों दे खाने के दिए सर? आप छुट्टी क्यों दे दिए? थैंक यू दवा सर खाने के लिए छुट्टी। तैयार रहेगा सर।